फ्रेंड्स फोर्सफुल एक्सेलेशन इसी के बारे में डिस्कस करना है। अभी देखो फोर्सफुल एक्सेलेशन क्या होता है। जब हम नॉर्मली स्टूडेंट ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता था कि ब्रीथिंग के अंदर इनहेलेशन होता है, एक्सेलेशन होता है। इनहेलेशन का मीनिंग होता है इनटेक एयर, एक्सेलेशन का मीनिंग होता है एक्सपेलिंग ऑफ द एयर। अब जब हम एयर को एक्सपेल कर रहे हैं नॉर्मली तो उसे हम एक्सेलेशन कह रहे थे, लेकिन नॉर्मली एक्सेलेशन करने के बाद भी कुछ एयर अगर हमें पास आउट करना है, बाहर निकालना है, तो उसे हम कहेंगे फोर्सफुल एक्सेलेशन। तो इसी फोर्सफुल एक्सेलेशन के लिए हमारे पास जो डिस्कशन है वो कुछ ऑर्गन से रिलेटेड है और उसी के अंदर हम लिस्ट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, डायफ्राम को याद करना है हमें, ठीक है। जो डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है खुद का नेचर चेंज करने के लिए, और जो नेचर डोम होता है फ्लैट भी होता है, तो इसी डोम नेचर और फ्लैट नेचर के साथ हमें दिखाई देता है रिब केज के अंदर कुछ चेंज, और जो चेंज होता है रिब केज के अंदर तो उसी लिए भी कुछ मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। जो सेकंड टाइप के मसल्स हमें दिखाई देते हैं उसी को हम कहते हैं इंटरकॉस्टियल मसल्स, कॉस्टियल मसल्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट और इम्पॉर्टेंट बात है, एब्डोमिनल मसल्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी देखो इतना सब कुछ होने के बाद हमें चलना है डायग्राम की तरफ। जब हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट तो हम डायग्राम सबसे फर्स्ट निकालेंगे इनहेलेशन के पोजीशन की। अभी ये जो पोजीशन है ये है स्टूडेंट इनहेलेशन पोजीशन। अभी इनहेलेशन का मीनिंग क्या होता है, जो इनहेलेशन का मीनिंग हम सभी को पता है। अभी इसी पोजीशन के अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं कुछ ऑर्गन्स के साथ। जो यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट, डायफ्राम थोड़ा फ्लैट हुए वाला है, ठीक है। इसी तरह से फ्लैट डायफ्राम हमें दिखाई दे रहा है। अब इसी फ्लैट डायफ्राम को हम लेबल करेंगे और लेबल करने के बाद हमें पता चलेगा एक्चुअली किस प्रकार से ब्रीथिंग के साथ फोर्सफुल मैकेनिज्म होता है एक्सेलेशन का। तो अभी देखो दिस इज द डायफ्राम, ठीक है। और जो डायफ्राम है स्टूडेंट फ्लैट, फ्लैट यानी कि इनहेलेशन इसी टाइम का डायफ्राम हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखो हमें देखना है एक्सेलेशन। जब एक्सेलेशन होता है तो उसी टाइम क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेलेशन होता है तो उसी टाइम इस तरह से मसल्स रिलैक्स होने के बाद जो वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है रिब केज के अंदर वो थोड़ा कम होता है, और वॉल्यूम कम होता है तो जो डायफ्राम है वो इस तरह से डोम शेप दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखो डायफ्राम जो डोम है यानी कि एक्सलेशन इसी टाइम का डायफ्राम हमें दिखाई दे रहा है एक्सलेशन टाइम का। उसके बाद जो रिब केज है वो भी हमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि वॉल्यूम कम हुए वाला नज़र आ रहा है, जो एरिया कम हुए वाला नज़र आ रहा है, तो स्पेस जो है इसी का वो स्पेस डिक्रीज हो चुका है, और स्पेस डिक्रीज होता है तो ये भी पोजीशन है एक्सेलेशन की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये हो चुका है नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सेलेशन, लेकिन स्टूडेंट जब हम फोर्सफुली एक्सेलेशन करते हैं तो हमें ज़्यादातर पैसिव को एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जब नॉर्मली हम बात करते हैं एक्सेलेशन की तो एक्सेलेशन हमें नॉर्मली दिखाई देता है पैसिव के अंदर, यानी कि पैसिव प्रोसेस है, लेकिन जब हम फोर्सफुली एक्सेलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट तो हमें पता चलता है फोर्सफुल एक्सेलेशन के अंदर ये प्रोसेस एक्टिव हो जाती है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस होती है। तो इसे एक्टिव होने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क देखना होता है ऑर्गन का। जो एब्डोमिनल मसल्स है स्टूडेंट वो इस तरह से
एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और यही एब्डोमिनल मसल्स एब्डोमिनल मसल्स जो एब्डोमिनल से रिलेट करते हैं तो ये मसल्स और भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पर तो उसी फोर्स की हेल्प से जो एक्सेलेरेशन है वो और भी तेज हो जाता है और भी ज़्यादा होता है। तो उसी टाइम जो डायफ्राम है स्टूडेंट वो थोड़ा अंदर की तरफ मूव होता है, मीन्स मोअर डायफ्राम बिकम डोम, डायफ्राम बिकम मोर डोम शेप, ठीक है। और जब डोम शेप ज़्यादा होता है तो कुछ इंटरकोस्टियल मसल्स है उसी के ऊपर भी स्ट्रेच आता है और उसी के ऊपर भी टेंशन आता है, तो इंटरकोस्टियल मसल्स और भी वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करने के साथ जो रिब का केच दिखाई देता है स्टूडेंट वो और भी अंदर की तरह मूव होता है इस तरह से। अब यहाँ पर पता चलता है हमें कि जो एरिया है, जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो स्टूडेंट किस प्रकार की है, बहुत कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर फोर्स फुल एक्सेलेरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से यानी कि फोर्सफुल एक्सेलेरेशन होता है तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है स्टूडेंट तो एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है तो एयर पास आउट होती है और जब एयर पास आउट हो रही है तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एयर का प्रेशर कम है। अभी एयर की जो मोमेंट दिखाई देती है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होती है, यानी कि लंग्स टू एटमॉस्फेयर होती है, तो इसे हम कहते हैं फोर्सफुल एक्सेलेरेशन। अब इसी के बारे में हमें और एक बात याद आ चुकी है, कौन सी बात आ चुकी है, जैसा कि हम नॉर्मल एक्सेलेरेशन कर रहे थे स्टूडेंट तो उसी टाइम क्या हो रही थी, एयर आउट हो रही थी मगर नॉर्मली हो रही थी, लेकिन जब हम फोर्सफुली एक्सेलेरेशन करते हैं तो ये प्रोसेस एक्टिव होती है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स अप्लाई होने के साथ जो एयर नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद भी हमें बाहर डालना ज़रूरी होता है और हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोर्सफुल एक्सेलेरेशन। तो देखो स्टूडेंट हम डिस्कस जो कर चुके हैं तो अभी तक क्या डिस्कस हो चुका है, सबसे फर्स्ट हमने देखा है इनहेलेशन यानी कि ब्रीथिंग देखा है स्टूडेंट, जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म था वो हमने देखा और जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म था उसे डिस्कस करते समय हमें पता चला यहाँ पर इनहेलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। इनहेलेशन के अंदर हमें मसल्स डायफ्राम इसी के बारे में भी ज़्यादातर पता चला है, उसके बाद हमने एक्सेलेरेशन के बारे में डिस्कस किया है। एक्सेलेरेशन हम सभी को पता है जिसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं और एक्सपीरेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन यानी कि इंस्पिरेशन और इनटेक द एयर और उसे हम इंस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलो ये दोनों प्रोसेस हो चुके हैं, तो दोनों प्रोसेस होते हैं तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कम्प्लीट होता है। अभी उसके बाद हमें पता चला है कि जो ब्रीथिंग हो रही है वो कंप्लीट हो रही है तो उसके बाद भी हमें क्या करना है, फोर्सफुली एक्सेलेरेशन करना है और वो भी हम वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमें और एक बात याद रखना है, हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ब्रीथिंग साइकिल। अभी एक्चुअली ब्रीथिंग साइकिल क्या है वो हमें देखना है। ब्रीथिंग साइकिल के अंदर हम थोड़ा जो प्रीवियस लेक्चर को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की है। सबसे फर्स्ट हमने देखा है कि एक्चुअली जो ब्रीथिंग हो रही है, सबसे फर्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे ब्रीथिंग साइकिल। अभी जो ब्रीथिंग साइकिल है वो क्या है स्टूडेंट, ब्रीथिंग साइकिल यानी कि मैकेनिज्म जो हो रहा है ब्रीथिंग का वो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस के अंदर हो रहा है। ब्रीथिंग साइकिल के अंदर देखो एक्सेलेरेशन, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ब्रीथिंग, ठीक है, यानी कि इनहेलेशन हो रहा है, इनहेलेशन उसके साथ होता है स्टूडेंट एक्सेलेरेशन, मींस इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन कंप्लीट होता है। तो जब दोनों प्रोसेस होते हैं तो उसे हम वन साइकिल कहते हैं, यानी कि एक ब्रीथिंग साइकिल होती है और इसे एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए
नियर 4 to 5 सेकंड वहाँ पर लगते हैं स्टूडेंट, और नॉर्मली हम 5 सेकंड ही कहते हैं, 5 सेकंड वहाँ पर लगते हैं, यानी कि 5 सेकंड के अंदर हमें एक टर्म दिखाई देती है इसी साइकिल की, यानी कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता है। उसके बाद सेकंड देखो, अगर हम ह्यूमन के अंदर डिस्कस करते हैं ह्यूमन, तो हमें देखना है एडल्ट ह्यूमन के अंदर, तो एडल्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, एक साइकिल कंप्लीट होती है 5 सेकंड के अंदर, और नॉर्मली 5 सेकंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है स्टूडेंट, तो नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो हमें वहाँ पर 5 साइकिल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 साइकिल्स रिक्वायर फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, यानी कि 5 साइकिल वहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एक नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, ये एडल्ट के अंदर। और जब हम बेबी के बारे में सोचते हैं तो बेबी के अंदर रेस्पिरेशन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर साइकिल भी वहाँ पर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो चलो ये हो चुका है ब्रीथिंग साइकिल के बारे में।